भारत से मैच हारना बाबर आजम को पड़ा महंगा। बाबर आजम के साथ पूरी टीम जाएगी जेल, लगेगा देशद्रोह का मुकदमा। इस खबर से वर्ल्ड क्रिकेट में मच गई सनसनी। एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इंतजार करेगी पाकिस्तान की पुलिस, नहीं मिलेगा घर जाने का मौका। एयरपोर्ट से सीधे सभी खिलाड़ी जाएंगे जेल। लाखों क्रिकेट प्रेमियों को ठगा, देश के साथ की है गद्दारी। जिनके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करती है पाकिस्तान की जनता, क्या उन खिलाड़ियों ने की है गद्दारी। अचानक T20 वर्ल्ड कप का शोर इस आवाज के सामने फीका पड़ गया। वर्ल्ड क्रिकेट में एक अनोखी खबर ने ऐसी सनसनी मचा दी जिसे सुनकर सबका दिमाग चकरा गया, हर कोई हैरान हो गया। आखिर यह कैसे हो सकता है? एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तान की फोर्स बाबर आजम और उनके पूरे साथियों को गिरफ्तार करके सीधे जेल ले जाएगी। क्या सच में पाकिस्तान ने कोई नया कानून बना दिया है कि अगर टीम भारत से हार जाएगी तो उसको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेल खेल होता है। पाकिस्तान की टीम भारत से हार जाती है तो पाकिस्तान में मातम हो जाता है, वहां टीवी टूटने लगते हैं, फैन की आंखों में आंसू आने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को पूजा जाता है। इसलिए क्रिकेटरों को क्रिकेट प्रेमी बहुत मानते हैं, उनके ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान की खबर ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। इस खबर की क्या हकीकत है? क्या भारत से हारने पर सच में पाकिस्तान की टीम जेल जाएगी, या T20 वर्ल्ड कप हारने की वजह से पाकिस्तान की टीम को जेल भेजा जाएगा? चलिए सब कुछ हम आगे आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान की टीम को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पहले उसे अमेरिका और भारत से शर्मनाक हार मिली, इसके बाद पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस ने जमकर पूरी टीम को लताड़ा। बारिश की आशंका के बीच टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की चिंता में थी कि अब बाबर आजम की टीम पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है, पूरी टीम जेल जाने के कगार पर है। पाकिस्तान के एक वकील ने सभी खिलाड़ियों समेत कोच और दूसरे स्टाफ पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर में एक वकील बाबर आजम समेत अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ देशद्रोह की याचिका दायर की है। इसमें टीम के खिलाड़ी और कोच समेत अन्य स्टाफ का भी नाम शामिल है। वकील ने पूरी टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल के मुताबिक वकील ने याचिका में कहा है कि वह अमेरिका और भारत के खिलाफ मिले हार से बहुत आहत है। वकील ने कप्तान बाबर आजम की टीम पर देश के सम्मान को दांव पर लगाकर धोखाधड़ी से पैसे कमाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, वकील ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की मांग की है और इसे पूरा होने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस याचिका को मंजूर भी कर लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम पर अब जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ की थी। अपने ओपन मुकाबले में बाबर आजम की टीम को मुंह की खानी पड़ी थी। टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अमेरिका ने 159 रन बनाकर टाई कर दिया था। फिर सुपर ओवर में उसने पाकिस्तान को 5 रनों से हरा दिया था। वहीं न्यूयॉर्क में हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से शिकस्त दी थी। इसके बाद से ही पूर्व क्रिकेटर समेत कई पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम से काफी नाराज चल रहे हैं।